नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों। आज का ये वीडियो हिंदी में रहेगा और हमारे साथ दिनेश यादव जी है। आज इनके बारे में शिखा मखीजा जी ने बहुत बोला मुझे कि इनके साथ एक रिकॉर्डिंग करिए। तो उन्होंने बोला कि इनको पराशरी का किंग बोला जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस हफ्ते एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उनके साथ। और ये हमारे जयपुर से है और ये आज दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी लेंगे, कुंडली लेंगे, दो या चार कुंडली, और दो दो कंसेप्ट है जो समझाएंगे। तो ये पूरा हिंदी में होने वाला है वीडियो। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी में और स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, महायोगदा ग्रह और योगदा ग्रह। ओके, तो देख लेते हैं पहले महायोगदा क्या चीज है और योगदा प्लेनेट क्या चीज है। तो मुझे एक बार शेयर का ऑप्शन दीजिएगा, आप, मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करूँ आपके साथ में। आपको होस्ट ही बना दिया, अभी शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू थैंक यू। वाह बढ़िया है। अच्छा, तीन ही स्लाइड है। तीन स्लाइड, अच्छा सिंगल स्लाइड है, बहुत छोटा सा टेक्निक है शानदार। और बहुत छोटा सा टेक्निक। और सच्ची बात बताऊं ना, मैं इतना इंटरेस्टिंग चीज है और ऐसा नहीं है कि एक चार्ट पे वर्क करेगा दूसरे पे वर्क नहीं करेगा। सबसे खास अच्छा बात में तो इसको समझना है। बस बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है जैमिनी का है, इट्स लाइक कि पाराशर में जहां पर हम लोग योग कारक प्लैनेट्स मानते हैं, तो वहीं पर हाँ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में दिस इज योगदा प्लैनेट। अच्छा ओके और इसमें भी योगदा में भी तीन तरह की चीजें हैं, महायोगदा, योगदा घटिका लगना और योगदा होरा लगना। अच्छा इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि महायोगदा प्लैनेट एक्चुअली है क्या। जरूर। तो बहुत सिंपल सा है, हम लोगों को यहाँ पर राशि एस्पेक्ट को यूज में लेना है इंस्टीड ऑफ पराशर एस्पेक्ट, जैमिनी जैमिनी राशि दृष्टि राशि एस्पेक्ट। ओके, तो सही। महायोगदा प्लेनेट आपका वो ग्रह है जो आपके होरा लगन, घटी लगन और आपके लगन तीनों को एक साथ एस्पेक्ट कर, एक साथ प्रभावित कर। अच्छा मीन्स आपका असेंडेंट हो जाएगा, आपका घटी का लगना और आपका होरा लगन। तो वो जो भी ग्रह एक साथ सभी को प्रभावित करेगा, दिस इज कॉल्ड योर महायोगदा प्लैनेट। और इसमें मैं आपको बताऊं कि होरा लगन बेसिकली आपकी वेल्थ के लिए डिनोट करता है, आपकी वेल्थ को शो करता है कि आपका धन धान्य वृद्धि, ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी। और जो घटी लगन है वो आपकी पावर एंड अथॉरिटी को दर्शाता है। तो महायोगदा प्लैनेट का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है और वो महायोगदा प्लेनेट है, तो घटी लगन से उसको पावर एंड अथॉरिटी मिल रहा है, होरा लगन से उसको वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है। तो दिस इज अ सिंगल प्लेनेट महायोगदा। इसके बाद में जब सेकंड स्टेज आती है, तो सेकंड स्टेज के अंदर ये प्लेनेट आ जाता है योगदा प्लेनेट, घटी लगन। ओके, तो जो भी ग्रह आपका लगन या घटी लगन, मीन्स लगन और घटी लगन दोनों को एक साथ राशि दृष्टि से एस्पेक्ट करेगा, वो आपका योगदा प्लेनेट हो जाएगा, घटी लगना जीएल। वो ग्रह जो है अपनी दशा अंतर दशा में पावर एंड अथॉरिटी प्रदान करने वाला है। तो मतलब अगर हम लोग कहें ना कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ये जो योगदा प्लेनेट है घटी लगन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। सेम वे इसके अंदर तीसरा वेरिएंट है योगदा प्लेनेट एचएल, होरा लगन। तो जो भी ग्रह लगन और होरा लगन को एक साथ एस्पेक्ट करेगा थ्रू राशि दृष्टि, वो आपका योगदा प्लेनेट होरा लगन बन जाए। राइट, अब यहां पर राशि एस्पेक्ट से मतलब ये हो गया कि एस्पेक्ट हो, कंजक्शन हो या ओनरशिप, ये अच्छा तीनों चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना। ओके,
एस्पेक्ट कंजक्शन एंड ओनरशिप, और राशि दृष्टि हम लोगों को यहां पर लेनी है। अच्छा, अब इसमें जो है ये तीन हो गया, महायोगदा प्लेनेट, योगदा प्लेनेट घटिका लगना, योगदा प्लेनेट होरा लगना। अब इसके अंदर कुछ जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि महायोगदा प्लेनेट आपका वो प्लेनेट है जो भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन, लगन D3 लगन एंड D9 लगना को एस्पेक्ट कर साइमल्टेनियसली 7 फैक्टर। अच्छा, तो दिस इज अ वेरी रेयर कॉन्सेप्ट, हालांकि बहुत सारे चार्ट्स में ये अवेलेबल मिल जाता है, लाइक इंदिरा गांधी जी का चार्ट हो या स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट हो, सब में ये अवेलेबल है। अच्छा, तो ये दो थॉट्स चल रही है, और एक तीसरा थॉट और है। वो लोग ये कहते हैं कि जो भी प्लेनेट जो है आपका लगन को, आपका D3 लगन को और आपका D9 लगन को एस्पेक्ट करेगा साइमल्टेनियसली, वो प्लेनेट आपका महायोगदा प्लेनेट बन जाएगा या योगदा प्लेनेट बन जाएगा। तो ये तीन अलग अलग थॉट्स हैं जो चल रही हैं। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो प्रचलित है योर लगना, घटी लगना एंड योर होरा लगना, प्लेनेट जो भी इनको एस्पेक्ट करेगा वो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ऑथोरिटी। हालांकि यहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं घटी लगन की बात कर रहे हैं, हम लोग होरा लगन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर्स में अगर हम लोग जोरा सॉफ्टवेयर भी अगर यूज में ले रहा है तो वहां पर दिया हुआ है विच प्लेनेट इज योर महायोगदा प्लेनेट। अच्छा, विच प्लेनेट इज योर योगदा GL, विच प्लेनेट इज योर योगदा HL। अच्छा, बढ़िया है। तो अगर जिसको राशि दृष्टि से समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ और मैं बता दूंगा किस तरीके से वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जी हो रहा तो फ्री है सॉफ्टवेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्जेक्टली, बढ़िया है। मतलब मैं कहूंगा कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है और हर चीज अवेलेबल है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, जितनी भी वेपन्स जितने हैं वो सारे अवेलेबल हैं इसके अंदर। सही बोला आपने। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल टेक्निक है। अच्छा, अब एक चीज और बता दूंगा आपको। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका जैमिनी का, महायोगता एंड योगता प्लेनेट। तो इन जनरल लोग इसको चर दशा या नारायण दशा या तू दशा या जो भी दशा है, राशि दशा से, उनमें इनका यूज आता है। बट यहां पर हम लोग इसको विंशोत्तरी दशा से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सरप्राइजिंगली आप चाहे चर दशा से आप देखेंगे या आप विंशोत्तरी दशा से आप देखेंगे, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला। अच्छा, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा यहां पर जो प्लेनेट हमारा महायोगदा प्लेनेट बन गया, जैसे शनि बन गया, तो वो बहुत लंबी महादशा है, लेकिन चर दशा वगैरह में वो जो पीरियड है आपका शॉर्ट पीरियड आ जाएगा जिसमें पीक टाइम व्यक्ति को मिला है। तो मतलब तो वो थोड़ा और हम सटीक तरीके से देख सकते हैं कि किस पीरियड में उतार चढ़ाव होगा। एग्जैक्ट। ओके, बढ़िया। तो यहां पर हम लोगों को विंशोत्तरी दशा ही यूज करनी है। आज का जो हमारा जो टेक्निक है वो विंशोत्तरी दशा से रिलेटेड है। तो एग्जांपल्स देख लें आप कहें तो जरूर। मेरे ख्याल से तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें बड़ा। तो मेरा एक सवाल है इसमें, जैसा कि तो मतलब जैसा मान लीजिए ये ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योतिष में नए नए आते हैं तो उनका भी एक ये सवाल हो सकता है कि हर एक कुंडली में ये तीन प्लैनेट होगा ही क्या, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो वही मैं एक बार। ना ना, नॉट नेसेसरी। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी कुंडली के अंदर जो योग स्थित, आपको वेल्थ कितना मिलेगा, ये सिर्फ उतना शो करेगा जितना प्रॉमिस आपका, जितना स्ट्रेंथ आपकी कुंडली का है, राइट? लाइक अगर हम लोग इंदिरा गांधी जी का चार्ट देख रहे हैं और वहां पर हम लोग घटी लग्न का और वो देख रहे हैं, उनको पावर देख रहे हैं, तो वो पीएम थी, उनका स्ट्रेंथ है चार्ट। और अगर मैं इन जनरल पर्पस के अंदर देखूं तो वही दशाएं अगर कॉमन मैन की लाइफ में आती है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है किसी एक छोटे संगठन का अध्यक्ष बन जाए। अच्छा, ओके, और अगर और ज्यादा अगर स्ट्रेंथ का मतलब तो खाली अपनी फैमिली का मुखिया बन जाए। और सेम वे अगर वेल्थ का अगर आ रहा है तो अगर मैं नारायण मूर्ति जी का चार्ट लूंगा तो नारायण मूर्ति जी उनका स्ट्रेंथ है चार्ट का। अच्छा, चार्ट है। लेकिन अगर एक कॉमन पर्सन का लाइफ में आएगा तो ये शो करेगा कि वो पीक टाइम है उसके लाइफ में, जितना उसका चार्ट का स्ट्रेंथ।
मतलब ये 3 ग्रहों को अगर है भी या नहीं भी देखना भी है, उसका फाइनल रिजल्ट जो है, अंतिम जो चरण जिस जगह पहुंचेगा, वो सारी पूरी कुंडली देखना पड़ेगा, पूरी विश्लेषण कुंडली करना नहीं, पड़ेगा, वो तो उसके बाद एक्चुअली ही ये हो। एग्जैक्टली जो भी आपका हाँ चार्ट का स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ, और बराबर, अन्य राजयोगों की तरह दिस इज अ राजयोग। लाइक हम लोग हमारा पराशर में राजयोग देते हैं, केंद्र त्रिकोण के योग हम लोग देखते हैं, राइट, करेक्ट। और सूर्य के या चंद्रमा के हम लोग राजयोग देखते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ राजयोग। बहुत बढ़िया, ओके, तो एग्जाम्पल ले लें हम लोग। हाँ जरूर जरूर। तो चलिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इंदिरा गांधी जी का ले लेते हैं, राइट। हाँ जरूर। ओके, सो हमारा जो सूत्र है बेसिकली, तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी को अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, जोहरा के अंदर जहां ये जीएल लिखा हुआ, दैट इज घटी लग्न, जीएल, ओके, थोड़ा राइट। जहां पर आपका एचएल लिखा हुआ है, दैट इज योर होरा लग्न, लगभग राइट। और ये जो है आपका यहां भी लिखा हुआ आता है, दैट इज होरा लग्न एंड अ घटी लग्न। अच्छा, नीचे भी दिखा हुआ, हाँ, यहाँ साइड में लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पर, राइट। ठीक है। दिस वन, घटी लग्न एंड होरा लग्न। हाँ इसमें एक कौन सा, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आई सेड कि महायोग द प्लेनेट कौन कौन से, राइट। तो जो भी प्लेनेट घटी लग्ना को और होरा लग्ना को देखेगा, राइट, एक करेक्ट, मिनट, एक सेकेंड, इसमें टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हाँ। इसमें आप देखिए, घटी लग्न इज इन अ टॉरस साइन, होरा लग्न इज अ पाइसेस, राइट। करेक्ट करेक्ट, तो अब हम लोगों को जो है, जो हमारा सूत्र है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि एक ऐसा प्लेनेट जो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, जो घटी लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, और जो होरा लग्न से भी संबंध बने। तो अच्छा यहां पर इनका जुपिटर आप देखें, लॉर्ड ऑफ द होरा लग्न, करेक्ट, अच्छा प्लेस्ड इन द घटी लग्न, राइट, एंड हाँ एस्पेक्टिंग असेंडेंट, हाँ क्योंकि जो स्थिर राशि को राशि में है तो चर राशि को राशि देख, को दृष्टि डालेगा। हाँ सही है, बिल्कुल। तो दिस इज द अच्छा महायोग द प्लेनेट, राइट। अच्छा बहुत बढ़िया। सेम वे के अंदर सैटर्न जो है वो असेंडेंट में प्लेस्ड है, एंड हाँ एस्पेक्टिंग घटी लग्न, गुरु अच्छा, राशि में, हाँ, राइट। कर्क से वृषभ, तो दिस करेक्ट, इज योग द प्लेनेट फॉर जीएल, ओके बहुत बढ़िया है। राइट, इजी है कॉन्सेप्ट। हाँ इसमें स्ट्रेंथ के अंदर आप जाएं, और ये जो चीज है आपका सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगा आपको, विच प्लेनेट इज महायोग द एंड विच प्लेनेट इज योग द जीएल। आप देख पा रहे हैं नीचे योगाज में, तो अच्छा, ओके, तीनों दिस इज लिखा हुआ महायोग है। द, तीनों लिखा हुआ है, महायोग द इज जुपिटर एसोसिएट विद विद लग्न, जीएल एंड एचएल। योग द जीएल जो मैंने आपको बताया घटी लग्न को पड़ता है, दैट इज सैटर्न। करेक्ट, एक चंद्रमा जो है, आप चंद्रमा को भी देखें, चंद्रमा इज अ लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड एस्पेक्टिंग घटी लग्न, राइट। सो करेक्ट दिस इज योग द जीएल। करेक्ट, ओके, तो अब सिंपल सी चीज ये है कि जो भी प्लेनेट महायोग द प्लेनेट है, उसकी दशा, आई एम टॉकिंग अबाउट विंशोत्तरी दशा, करेक्ट, जब भी वो दशा आएगी, व्यक्ति की लाइफ में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ में अथॉरिटी भी उसको मिलेगा, अच्छा राइट। सो अगर हम लोग दशाएं देखें, तो इनकी जो जुपिटर की दशा है वो स्टार्ट होती है 1954, हाँ, राइट। तो ये करेक्ट, शायद यूथ कांग्रेस में कुछ बनी थी 1954 या 55 में। तो यहां अच्छा से इनका जुपिटर महादशा से स्टार्ट होता है, जिसमें वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड उनको अथॉरिटी प्राप्त है, दैट इज जुपिटर।
अब अगर मैं कहूं यहां पर जुपिटर में मून, आपको याद है ओ वन मोर प्लेनेट जीएल, योग द प्लेनेट घटी लगा हाँ 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 मून हाँ था राइट। तो करेक्ट दिस इज जुपिटर मून, वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल ओके बहुत शानदार अमेजिंग। बढ़िया तो है। इट इज इसी शोइंग की दौरान बनी ऑथोरिटी, थी करेक्ट। इसी दौरान भी तो उनको ऑथोरिटी मिला है, उनको वेल्थ मिला है। दिस वॉज अ करेक्ट जुपिटर दशा। अब जो सरप्राइजिंगली जुपिटर के बाद में दशा कौन सी रहेगी, शनि। शनि की। तो शनि भी हमारे योग द प्लेनेट जीएल में है, वापस हाँ से देखें हाँ 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 तो पावर कंटिन्यूड तो रहेगा। पावर कंटिन्यू रहने वाला है राइट। अच्छा बढ़िया। पावर कंटिन्यू ड्यूरिंग सैटर्न। अब सरप्राइजिंगली अगर आप यहां पर देखेंगे वो पावर लूज कब करती है राइट। तो घटी लगन से 8th हाउस कौन सा है, घटी लगना इज टॉरस साइन, अच्छा ओके 8th साइन इज वहां पे राइट शुक्र राहु। शुक्र। तो जब भी इनकी दशा चली दैट इज वीनस 1977, वहां पर उनका पावर लूज हुआ राइट। अच्छा ओके हाँ। इस टाइम इलेक्शन हारी थी ना। हाँ हाँ इलेक्शन हारे थे और वो इमरजेंसी वो लगाना और हाँ सारा करेक्ट का सारा करेक्ट कट, क्योंकि वहां पर पावर लूज होना है, घटी लगना से 8th हाउस का कॉम्बिनेशन वहां पर। अच्छा घटी लगना से 8th हाउस में जो ग्रह है उसकी दशा चल गई से यहाँ शुक्र या नो राहु का प्रॉब्लम, तो पावर। पावर। अच्छा और दोनों बढ़िया टाइम हुआ है ना उनका, क्योंकि राहु के टाइम पे तो उनका यू नो उनको ये राहु का टाइम था 84 जब उनका वो हाँ गोली हाँ हुई हाँ थी, दोनों हाँ हाँ टाइम है। हाँ अच्छा तो ये तो पूरा एकदम क्लियर है एकदम। क्लियर मतलब क्लियरली आपको इसमें पता लग जाए। तो तो मतलब कॉन्सेप्ट हम बहुत सिंपल ये है, कह सकते कि वो टाइम पे सावधानी बरतना चाहिए इंसान को, स्पेशली कोई पॉलिटिकल लीडर है तो। एग्जैक्टली। और नहीं इससे आपको पता भी लग जाएगा ना, कोई पॉलिटिकल लीडर है, हाँ पॉलिटिकल लीडर है और चुनाव होने वाले हैं, तो आपको घटी लगन से पता लग जाएगा कि उसको पावर मिलने वाली है नहीं मिलने वाली ओ अच्छा ओके शान बहुत बढ़िया। राइट। तो बहुत इजी है। अच्छा जैसा मैंने बताया कि एक थॉट मैंने बताया था कि 7 फैक्टर्स होने चाहिए, कि हाँ आपका लगन, घटी लगन, होरा हाँ लगन, D3 लगन, D9 लगन, आपका यू नो, तो इनका चार्ट है, देखना हाँ चाहेंगे? ओके हाँ 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 तो अच्छा यहां पर देखते हैं फर्स्ट कृष्णान ऑफ और ऑल। नवांश। ओके जुपिटर इज अ महायोग द प्लेनेट, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं घटी लगना, हाँ लगना एंड होरा लगना। हाँ अब यहां पर आप D9 चार्ट में देखिए लॉर्डशिप है जुपिटर का, हाँ असेंडेंट ऑफ द डी राइट, करेक्ट D9 करेक्ट। का। D3 चार्ट में आप आ जाए ओ अच्छा इसमें भी लगन का स्वामी है करेक्ट। मतलब स्वामी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होगा। ये कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जहां से भी आए ये है ही मतलब। है स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है महायोगदा, योगदा जीएल एंड योगदा एचएल। बस ये याद रखना है कि योगदा जीएल जब भी आएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है राशि दृष्टि से एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो सिंपल सा स्ट्रेंथ में जाना है हम लोगों को, और हमें सिर्फ देखना है कि कौन सा प्लेनेट आपका योगदा ग्रहों के अंदर आ रहा है। तो जिसको भी डाउट है संशय सीधा जाइए देखिए और देखिए और चिंता मत करिए वहां मिल जाएगा सब कुछ। एक चार्ट और ले लें आप कहें हाँ तो। जरूर। चलिए अभी किसका चार्ट आएगा। आप बताएं, किसी का भी ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन का ले सकते हैं, अरविंद घोष का ले सकते हैं। मतलब आई सेड ना कि ऐसा नहीं है कि एक चार्ट पे लागू होगा दूसरे पे लागू नहीं होगा। तो स्वामी विवेकानंद का ले लेते हैं। ओके दिस इज स्वामी विवेकानंद चार्ट। ओके तो हु इज महायोग द प्लेनेट राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सूर्य कॉमन प्लेनेट देखना है, घटी लगना कहाँ है दैट इज सेजिटेरियस साइन, होरा लगन कहाँ अनुराशि। है दैट इज असेंडेंट। तो हाँ अब यहां पर कौन सा प्लेनेट है जो लगना, घटी लगना और होरा लगन से संबंध बनाता हो, दैट इज सन, सूर्य और दूसरा इसका ओनर दैट इज जुपिटर। गुरु
राइट right? राइट तो यहां पर देखें कौन कौन से प्लेनेट यहां पर महायोगदा प्लेनेट बनते हैं। इवन यहां पर आपका चंद्रमा भी महायोगदा प्लेनेट बन रहा है, इवन सैटर्न भी महायोगदा प्लेनेट बन क्योंकि राशि दृष्टि है, राशि दृष्टि द्विस्वभाव है यहां राशि, पर, ये स्वभाव में द्विस्वभाव राइट राशि बाकी राशियों को ये करते हैं। सही है, बिल्कुल। तो महायोगदा सूर्य, महायोगदा चंद्र, महायोगदा जुपिटर, महायोगदा सैटर्न, फोर्थ बहुत योगदा बढ़िया है है, महायोगदा प्लेनेट। ओके दशाओं में जाएं हम लोग जरूर। तो दशा देखते हैं, विंशोत्तरी दशा ले रहे हैं हम लोग राइट। सो दैट इज जुपिटर दशा, राहु दशा 1974 से 1892 तक है इसलिए इनकी जुपिटर दशा। सो ये वो दशा है जहां पर ये विदेश गए हैं, अमेरिका के अंदर उनका स्पीच हुआ है और जो भी इनको जो हम लोग जानते हैं सारा इसकी वजह से, जुपिटर मार्स है हाँ बिकॉज इट हाँ इज अ हाँ महायोगदा प्लेनेट। इजी बहुत कॉन्सेप्ट है बढ़िया। हाँ ये तो मतलब कोई भी लगा सकता है, सॉफ्टवेयर में दिख गया और तो देखो उसकी दशा कब आ रही है। कब आ रही है वो देख करके आपको कर। और मतलब मैंने बताया ना कि कोई सा भी चार्ट हो, इवन जैसे मैंने बताया स्वामी विवेकानंद है एक्स वाई जेड, कोई सा भी चार्ट इट इज अ काइंड ऑफ अ राजयोग। और एक्चुअली में बिग सेलिब्रिटीज के चार्ट में आमतौर पर मिल जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज है, बहुत से ऐसे बिग यू नो सेलिब्रिटीज है जिनके चार्ट में ये नहीं, लेकिन उनके दूसरे राजयोग विपरीत राजयोग है या समथिंग डिफरेंट। अच्छा, तो एक मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, ये मान लीजिए ऐसा सिमिलर कोई एक चार्ट होता है, भले ही ऐसा एग्जैक्टली नहीं हो, मान लीजिए कोई और कुंडली है और वो इंसान आपके पास आता है, क्योंकि आजकल तो यही सवाल ज्यादा आता है कि नौकरी कब मिलेगा, प्रमोशन कब होगा, कि व्यवसाय में वृद्धि कब होगी। तो मान लीजिए उनका ऐसा कोई एक ग्रह है, उनकी दशा आने वाली है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान अगर होरा लग्न से संबंधित है तो धन धन राशि बिल्कुल ज्यादा आ देखिए सकता है। यहाँ पर आपका घटी लग्ना के लिए मैं आपको बता दूँ, घटी लग्ना सिंपल मींस कि आपका स्टेटस हायर होने वाला है, आपका राइज इन हाँ अ प्रोफेशन भी है, घटी लग्न का मतलब करेक्ट राइज करेक्ट इन अ प्रोफेशन ऑल्सो। और ज्यादा पैसा नहीं है वहां पर क्योंकि वेल्थ से जुड़ा हुआ आपका होरा लग्न, घटी लग्न इज योर अच्छा पावर एंड स्टेटस। ओके अच्छा बाकी अगर आप इस कॉन्सेप्ट से ऊपर जाते हैं ना तो फिर आपको जो दशाएं हैं वो राशि दशाएं आप अगर लोग के तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये दशाएं हम लोगों को जो है बहुत एक ब्रॉडर पीरियड जो बहुत बड़ा पीरियड बता रही है। जब आप राशि दृष्टि में अच्छा जब चर दशा हम लोग जब यूज में लेते हैं ना तो वहां से आप विद इन अ मिनट बता सकते हैं कि कब आपका जॉब लगने वाला अच्छा है, कब आपका जॉब हटने वाला है। तो वहां पर यूज राशि दशा, चर दशा और नारायण दशा, ओके, तो वो ज्यादा प्रिसाइज मतलब वो ज्यादा वो एक एक्यूरेट शॉर्टर होगा। पीरियड आ जाएगा ना, एक्यूरेसी आ जाएगी ना आपके पास। यहाँ आपके करेक्ट पास में करेक्ट, जैसे महादशा है, आई सेड कि जुपिटर महादशा, तो जुपिटर महादशा बहुत लंबा है ना, 16 साल। यस इट विल बी गुड अमेजिंग रहेगा। बट अंतर दशाओं के अंदर जैसे आई सेड कि हमने देखा इंदिरा गांधी जी के चार्ट में लूज होती है उनकी पावर राइट, करेक्ट जब घटी लगन से 8th हाउस की वो दशा चल रही है प्लेनेट की तो उनको लूज करना पड़ा अपना पावर राइट भाई। समझ तो गया। दिस इज महायोगदा प्लेनेट। और अगर चाहे तो हम लोग देख सकते हैं या हम लोग अब सिंपल जो योगदा प्लेनेट है उसके हम लोग चार्ट्स देख लें राइट। हाँ सिंपल वाला देख सकते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू राइट। So, यहां पर कोई भी महायोगदा प्लेनेट नहीं है, अच्छा कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो लगन को भी एस्पेक्ट कर सकता करता हो, घटी लगन को भी करता हो या होरा लगन को भी करता हो। बट यहां पर ऐसा प्लेनेट जरूर है जो लगन से भी संबंध बनाता है और घटी लगन से भी संबंध बनाता है। एज आई सेड घटी लगना इज पावर एंड अथॉरिटी। तो सही, चंद्रमा है यहां पर राइट, चंद्रमा हाँ प्लेज इन असेंडेंट एंड करेक्ट, एस्पेक्टिंग घटी लग्न, दैट इज टॉरस साइन में आपका घटी लग्न हाँ, राइट। करेक्ट, स्ट्रेंथ में जाकर के आप चेक कर लीजिए विच प्लेनेट कोई वहां पे है भी आ या नहीं है, जाएगा। आएगा एग्जैक्टली। सो यहां पर दो प्लेनेट हैं, योगदा एच एल दैट इज हाँ सूर्य
और योगदा घटी लग्न, जी यस, दैट इज चंद्र, अच्छा हाँ पावर एंड हाँ अथॉरिटी, सूर्य इज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। हाँ तो हाँ दशा देखते हैं इनकी, मून की दशा कब चलती है, दिस इज मून दशा 1938 टू 1948, अच्छा तो ही हैड अ पावर, प्राइम इसी टाइम एंड में प्राइम मिनिस्टर बने थे वो। मिनिस्टर बने, दैट इज द दशा, अच्छा चंद्र सूर्य में बने थे प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली, मतलब सरप्राइजिंगली ये जुलाई में दशा शुरू हुई, अगस्त में आजादी भी हो गया, प्राइम अगस्त मिनिस्टर में भी आजादी बन बन गए। क्या गई, बात है, बढ़िया है पावर ये एंड तो, अथॉरिटी मिलना चाहिए, तो मिलना था जबकि दशा शानदार, चल रही है ना। बहुत बढ़िया है। सरप्राइजिंगली ये जो योगदा प्लैनेट्स है ना, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के हो, इंदिरा गांधी जी का चार्ट हो, लेट श्री राजीव गांधी जी के चार्ट में, सबके चार्ट में, इवन राहुल गांधी जी के चार्ट में वर्तमान में वो दशा चल रही है घटी लग्न। अच्छा और एज आई सेड, आपको सिर्फ वो मिलना है जो आपका चार्ट स्टैंड करता हो, अच्छा और उनको अभी एक्चुअली में जब से उनकी दशा चल रही है, वो ही गॉट अ पावर, बट विद इन हिज पार्टी, वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने हाँ और पार्टी के आपके प्रेसिडेंट बने, अच्छा राहुल गांधी जी का बोल रहे हैं आप। जी हाँ राहुल हाँ गांधी। हाँ 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 करेक्ट 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 अच्छा फर्क क्या पड़ता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत 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 से लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि ठीक है कि ये तो जीएल मिल गया तो मेरे को अथॉरिटी मिल जाएगी। आपको यहां पर प्लेनेट का डिग्निटी भी चेक करें, अच्छा लाइक यहां पर चंद्रमा जो है कर्क राशि का है और जीएल इज ना एक्सोलेशन साइन, हाँ ऋषभ करेक्ट आपका उच्च का राशि है और चंद्रमा जो स्व राशि का है पूरी स्ट्रेंथ के साथ में बैठा हूं। आपको यहां पर ग्रह की ताकत को देखना है कि उस ग्रह में ताकत भी है या नहीं है। अगर वो ग्रह मान लीजिए पीड़ा के अंदर है, एफ्लिक्टेड है, तो वो आपको वो पावर नहीं देगा जो आप डिजर्व कर रहे, ओ जो आपको अच्छा, समझ गया। मतलब कोई अड़चन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई 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 ना कोई बाधा आएगा उसमें। बिल्कुल आएगा। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं अर्गला का कॉन्सेप्ट, अर्गला हाँ तो किसी भी ग्रह से दूसरे भाव की, चौथे भाव की, या पांचवे भाव की, या 11th हाउस से अर्गला मिलता है। तो जिस भी ग्रह को, हालांकि मैं यहां नहीं लेना चाह रहा था कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग विंशोत्तरी दशा यूज कर, बट अगर आपको देखना है कि ग्रह के अंदर ताकत कैसी है, तो जहां पर अनऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला हो, लाइक यहां पर किसकी अर्गला मिल रही है चंद्रमा को, देखें आप 4th हाउस से, वीनस एंड मरकरी, हाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, राशि। हाँ और अगर नहीं भी देखना चाहे तो फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट जो हम लोग सिंपल वे में हम लोग देखते हैं कि ग्रह की ताकत कैसी है, ग्रह कब बली होता है, ग्रह अपनी राशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में, सहयोगी प्लेनेट के एस्पेक्ट के अंदर हो, सहयोगी प्लेनेट के साथ में हो, तो वो ग्रह पावर में रहेगा। और यहाँ पे बहुत आप बार देखिए ऐसा सूर्य भी मित्र राशि में है, तो जो पावरफुल है, वृश्चिक एग्जैक्टली राशि है करेक्ट। पावरफुल है ना, एग्जैक्टली मार्स से उसको वहां पर अर्गला भी मिल रहा है ना, बढ़िया है तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, अर्गला का भी आप यूज में ले सकते हैं। बट अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपको सिंपल तरीके से यूज में लीजिए, विंशोत्तरी दशा आप यूज में लीजिए, लेकिन ग्रह को जरूर देख लीजिए कि वो उच्च का है, नीच का है, स्व राशि है, या उसकी डिग्निटी क्या है। बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर घटी लगन की ऐसी दशाएं आती है, योगदा जीएल की, और उनको वो पावर नहीं मिलता, वो एक बहुत छोटे अच्छा से स्तर के ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि वो प्लेनेट जो है उसमें ताकत नहीं है। ओ अच्छा, तो राशि का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है वो ग्रह जिस राशि में है। जी एग्जैक्टली, बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सावधानी से, मतलब इतना आसानी से समझा दिया आपने कि कोई भी समझ जाएगा। सॉफ्टवेयर में जाओ देखो, खत्म। चलिए आज का लास्ट चार्ट ले लेते हैं हम लोग, नारायण मूर्ति जी हाँ का। हाँ हालांकि लेने में तो बहुत सारे चार्ट ले सकते हैं, बट आई थिंक जीएल का हम लोगों ने देखा। ये है इंफोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति जी का चार्ट है, यहां पर भी कोई महायोगदा प्लेनेट नहीं है, राइट, बट ही इज हैविंग
योग द प्लेनेट जीएल एंड योग द प्लेनेट एचएल। देख लेते हैं, स्ट्रेंथ में जाएं, चेक इट हाँ आउट। ये आपका देखें, ही इज हैविंग फोर प्लेनेट्स, यू नो, हाँ योग द जीएल दैट इज चंद्रमा, योग द एचएल दैट इज जुपिटर, योग द एचएल दैट इज वीनस, योग द जीएल दैट इज राहु। हाँ कैसे निकला है? बहुत सिंपल सा है। होरा लगन धनु राशि के अंदर है और धनु हाँ राशि का जो स्वामी है वो लगन में बैठा होगा। गुरु तो ऐसे ही आ गया। ओके, तो लगन और आपका होरा लगन का जो योगदा प्लेनेट है वो आपका गुरु बन गया। अच्छा बढ़िया है। सिंपल। ओके, अब लगन का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र है। क्या शुक्र की दृष्टि होरा लगन के ऊपर है? सिविल जरूर साइन से है। जरूर तो है। आपका दूसरा जो आपका जो होरा लगन का जो योग योगादा है वो शुक्र बन गया। शुक्र बन गया। एग्जैक्ट। अब हमारा तीसरा है जीएल। तो यहां पर जो चंद्रमा है वो स्वामी है जीएल, कर्क राशि के हाँ अंदर है, राइट। हाँ कर्क राशि का हाँ स्वामी कौन है आपका? चंद्रमा। चंद्र राशि दृष्टि है जीएल तो पे। हाँ राशि दृष्टि असेंडेंट पे आ गई, असेंडेंट पे भी करेक्ट। राइट। राहु की दृष्टि आपका असेंडेंट पे भी हो गया और राहु की दृष्टि हाँ आपका जीएल पे भी हो गया, जीएल पे भी हो गया। बहुत राइट। शानदार। चार राइट, ग्रह आ गए। चार ग्रह आ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि दशाएं कौन सी चलती है इनकी, विंशोत्तरी दशा। दिस इज योर विंशोत्तरी दशा। तो इन्होंने जो इन्फोसिस स्टार्ट किया तो जो दशा चल रही है वो राहु की है और राहु हमारा जीएल में है, योगदा जीएल, राइट। अच्छा इसी दौरान। अच्छा। ओके, अब इसमें भी उन्होंने 81 के अंदर या 81 जून जुलाई, यू नो एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन 81 में उन्होंने संस्था का जो है इन्फोसिस का गठन किया, दैट अच्छा एटी इज वन में। अच्छा राहु राहु मून। तो इसी में करना ही पड़ेगा। तो जीएल कौन से हैं हमारे? हाँ योगा द जीएल दोनों प्लैनेट्स हैं, राहु चंद्र। करेक्ट करेक्ट व्हाट आई सेड कि स्टेटस इंक्रीज होगा यहाँ पर, ऑथोरिटी मिले, राइज इन करेक्ट। परमिशन भी तो मतलब मिलेगा यहाँ कोई पर, नया चीज शुरू करेंगे, नया पहचान मिलेगा उनको नया दुनिया जाने पहचान के लिए। मिलेगा। एग्जैक्टली, स्टेटस आया उनका, शानदार। दैट वाज द टाइम राहु चंद्रमा। और एक मेरा और सवाल मैं सोच रहा था पूछने को, ये खटी लगन से तो आपने बताया, लेकिन मान लीजिए किसी का होरा लगन जो एचएल है वो मान लीजिए एक्टिव होता है और वो ऑलरेडी एक अथॉरिटी पोजीशन में है, तो मतलब क्या वो पैसा बहुत ज्यादा आता है उसके पास, ये क्या देखा है आपने उस सेंस पे? अच्छा पैसा, होरा लगन बिलोंग्स टू वेल्थ ओनली। मतलब आप सरप्राइज करेंगे कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और ऐसे लोगों के चार्ट देखते हैं जिन्होंने मनी लूज किया या मनी गेन किया, तो ओहो। विदिन मिनट्स आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दशा आपको मनी गेन करवाने वाली और कौन सी दशा आपको मनी लूज करने वाली। अच्छा ओके समझ अच्छा, गए। अब इसके बाद में राहु के बाद में कौन सी दशा आने वाली है इनके पास में? गुरु इन्होंने की। राहु और चंद्रमा में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। हाँ। और जुपिटर हमारा कौन सा प्लेनेट है? वो भी है योगा एचएल दा एचएल, करेक्ट। पूरा लगना योगा जो हाँ। वेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो हाँ तो अभी एक्सपांशन बहुत ज्यादा हो गया इनका, मिलेगा एक्सपेंसिव से बोलो। बहुत शानदार। हाँ एकदम 99 तक तो सब जगह एकदम फैल चुका था ये इनका बिल्कुल, कंपनी जो क्योंकि भी। जुपिटर होरा लगन का चार्ट, बहुत शानदार। तो सरप्राइजिंगली यू नो कि अगर आपके चार्ट में किसी भी चार्ट के अंदर तीन या चार प्लेनेट आपके महायोगदा योगदा में आते हैं या हाँ योगादा घटी लगन में आते हैं या योगादा एचएल में आते हैं, तो दिस इज अ प्रेटी गुड, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी फॉर श्योर। अच्छा। लाइक बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया। अगर अमिताभ जी का हम लोग कहें तो उनके तो तीन प्लेनेट है जो महायोगदा के अंदर, अच्छा। और यू नो वहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे उनका मनी का गेन होता है, कहां पर उनको लॉस होता ओ अच्छा। वो एचएल है। से देखते बहुत होंगे शायद। समझ गया। बढ़िया बिल्कुल। है बढ़िया बहुत बढ़िया है। देखिए, इसका मैं आपको बता दूं कि इसको जैसा मैंने बताया, अगर आपको शॉर्टर पीरियड्स के लिए देखना है तो आपको चर दशा यूज में लेनी है और हाँ अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, और चर दशा के रूल्स आर डिफरेंट, चार दशा का।
रूल्स डिफरेंट हो जाएंगे वहां पर, क्योंकि ओ अच्छा जो दशा हम लोग यूज में ले रहे हैं ना, उस दशा के जो सूत्र हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मैं चर दशा यूज में ले रहा हूँ तो उसके रूल्स अलग हैं, अगर मैं नारायण दशा यूज में ले रहा हूँ तो उसके रूल्स अलग हैं। अगर मैं अच्छा नारायण दशा में यूज में ले रहा हूँ तो वहां पर मेरे लिए घटी लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता अच्छा घटी है, ठीक। लगन होरा उस लगन वहां नारायण पर से। इंपॉर्टेंस रखता है वहां नारायण दशा। चर दशा के अंदर मेरे पास में महायोगदा प्लेनेट या योगदा प्लेनेट इंपॉर्टेंस रखता है, और उसका 10th हाउस जो राशि दशा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और विंशोत्तरी दशा ओ मैंने आप लोगों को बताया। बढ़िया है, लगता है दो तीन और रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा इसी टॉपिक पे, तब लोग और अच्छे से देख पाएंगे किस दशा में क्या देखना चाहिए। बहुत बहुत इजी है, बढ़िया, अगर ये इससे भी अगर देखेंगे ना तो उनको रिजल्ट मिले, पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। ये तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना आसानी से समझाया बढ़िया से एकदम, और सारे चार्ट्स पे इतनी बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है ये। तो आप सब सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं सर को, सर का धन्यवाद करिए और कमेंट सेक्शन में, और अपने अपने कुंडलियों में भी जाके देखिए। और अगर कुछ नहीं है ऐसा जो आपने देखा है तो निराश मत हुई, कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर मिलेंगे हम यू सर, फिर। और बिल्कुल हाँ सर, थैंक यू सो मच। आपका आप कंसल्टेशन वगैरह करते हैं अभी? जी जी बिल्कुल, अच्छा, तो आपके जो ईमेल या फोन नंबर जो भी है मैं नीचे दे दूंगा डिटेल में, तो जिन जिनको भी कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं तो प्लीज इनको कांटेक्ट करिएगा, और सर आपका हेल्प करेंगे बिल्कुल। जितना आपने हो दिया पाए। हुआ है शिखा मखीजा जी का जो उनका जो वेब है यज्ञ हाँ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, उनके साथ में ही मैं जो वर्किंग है उनके लिए मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ। थैंक यू, ठीक ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर धन्यवाद। थैंक यू।